हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है राधिका और दीपिका की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि राधिका फाइनली सक्सेसफुली दीपिका के केबिन में एंटर हो चुकी होती है एज ए उसकी असिस्टेंट, और वो बातों ही बातों पर उसको प्यार जताने की भी कोशिश करती है, बट राधे देविका उसको एकदम से झाड़ देती है। राधिका को एकदम थोड़ा सा दर्द होता है, बट वो बोलती कि नहीं, बी स्ट्रॉन्ग लड़की, तो पटाखे हम ही लेके जाएंगे दुल्हनिया। बट यहाँ पे देविका तो अलग ही सीन होता है कि उसको अपनी मम्मा का सपना साकार करना है और इनको प्यार व्यार में नहीं गिरना है। तो देखते हैं कि देविका को कैसे प्यार में गिराते हैं फिर से हमारी राधिका जी। सो कहानी को लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जो राधिका होती है वो लैपटॉप के पीछे ही एकदम आंसू छुपा के ना देविका को प्यार से देखती है, और देविका काम में बिजी होती है। राधिका का मन नहीं करता है कि किसी काम करो यार, सामने प्यार हो और आपका दिल करे यार कोई काम करो, तो लालच है ऐसे प्यार पे। तो राधिका को भी सेम होता है, वो ना चाहते हुए भी चुप चुप के ना देविका को देख रही होती है। देविका थोड़ा सा खास देना राधिका उसके तरफ पानी खिसका देती है, तो राधिका बोल देविका बोलती है कि इन सब की ना कोई जरूरत नहीं है वैसे। तो राधिका बोलती है जरूरत नहीं है बट खांसी में पानी पीना चाहिए। तो देविका बोलती है इतने नाटक करने की ना जरूरत नहीं है तुमको। तो राधिका बोलती ओके नहीं करोगे नाटक बट पानी तो पी सकती हो तुम। तो राधिका देविका बोलती ऐसे बोल के ना वो पानी पीती है, वो राधिका की तरफ देखती है तो राधिका स्माइल कर रही होती है। तो देविका उसके तरफ इग्नोर करती है, बोलती है देविका तुझे नहीं देखना है उसके तरफ, तुझे फिर से प्यार भी नहीं गिनना है उस इंसान के, और वो काम करने लगती है। इधर राधिका चुप चुप के ना बस देविका को देखी जा रही होती है। तो देविका बार बार ये चीज नोटिस करती है और राधिका बोलती बोलती है कि जो मैंने काम दिया था वो कम्प्लीट हुआ, जो इतना घूर घूर के मुझे देख रही हो। तो देवी का को राधिका बोलती कि हम वो काम तो खत्म हो गया, कुछ और काम है। तो देविका बोलती कि कब जब काम खत्म हो गया तो मुझे प्रेजेंटेशन सबमिट करके तुम बाहर क्यों नहीं जा सकती। तो राधिका बोलती कि क्योंकि ये मेरा भी केबिन है। तो देविका बोलती कि ओके बैठी जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो ऐसे ब्रेकफास्ट किया तुमने। तो राधिका बोलती तुमको इतनी मेरी भी फिक्र है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुमको ये चीज याद है। तो देविका बोलती कि फिकर विकर कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो राधिका बोलती चलो फिर। तो देविका बोलती कहाँ चलो मैं, मुझे बहुत काम है। तो राधिका बोलती ओके जब तक तुम नहीं जाओगी मैं नहीं जाऊंगे, इनफैक्ट मैं ऐसा करती हूँ कि कैंटीन से ना तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाती हूँ। ऐसे बोल के ना उठने वाली ही होती है देविका, उसको मना करने ही वाली होती कि नहीं, उतने देर में ना चाय की एंट्री हो जाती है, बोलती गुड मॉर्निंग लेडीज, आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, और चाय तुमने किया कि नहीं स्पेशली, ऐसे बोल के ना राधिका के तरफ ना राधिका का जो कजन ब्रो होता है वो चला आता है। और राधिका ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो बोचे बोल तो रहा होता है राधिका को चैम तुमने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, बट वो लाया तो देविका के लिए होता है, और राधिका को ये चीज पता होती है और उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है। तो वो राधिका ना चाय के हाथों से एकदम से ले लेती है ट्रे, बोलती कि नहीं नहीं इनफैक्ट हम लोग चाय रहे थे, अच्छा वो आप ले आए, थैंक यू सो मच भैया, वैसे देविका तुम ट्राई करो ना ये स्वीट पटाटो तो बहुत ज्यादा अच्छे है, ऐसे बोल के ना उसके मुंह में ऐसे डालने की कोशिश करती है। तो राधिका ना देविका एकदम घूर के देखती है, फिर राधिका को चेह के सामने तो देविका कुछ नहीं बोल सकती ना, तो मुंह खोल के ना इसे खा लेती है, बोलती अच्छा है अच्छा अच्छा। तो जय ना एकदम से बैठने की कोशिश करते, तो राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज़, और बोलते हैं कि छे भैया आप हमारे केबिन में बैठ रहे हो, बाकी के एम्प्लॉय क्या बोलेंगे। तो जय एकदम से घूर के गुस्से में देखता है राधिका को और बोलते बहन मैं यहाँ पे सेटिंग करने आया हूँ, तो मेरी सेटिंग करने की बात बोली थी ना, और यहाँ पे बिगाड़ क्यों रही है। तो राधिका बोलती ओके ओके सॉरी सॉरी, ऐसे बोल के ना बैठ जाती, बट बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसको। तो जय बोलता है कि ये बगर मैं आपके लिए लाया था देविका, हाँ ट्राई करोगी। तो देविका बोलती नहीं नहीं सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जय बोलते अरे ऐसी कैसे ज़रूरत नहीं थी, आप हमारे कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉई हो और हमारे एम्प्लॉय खुश नहीं रहेंगे तो काम कैसे अच्छा चलेगा। तो राधिका बोलती हाँ ना हाँ हाँ वैसे भगर मुझे भी पसंद है भैया, मुझे मुझे भी पास करो। तो जय एकदम घूर के देख रहे हैं उसको, बोलते क्या कर रही है यार, कमीशन कबाब मेटी क्यों बन जाती है, तो चाहना कैंटीन से खा के आओ। तो जय राधिका बोलती कि आपने तो अभी बोला था ना कि जैम तूने खाना खाया कि नहीं, तेरे लिए लेके आओ, फिर मैं कैसे कैंटीन में चली जाऊँ। तो इन दोनों का ना से खिटपिट करता हुआ देविका देखती है और बोलती कुछ प्रॉब्लम है सर। तो जय बोलते अरे नहीं 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 कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों के लिए लाया हो ना, तुम दोनों खाओ, जैम तुम ये लो खाना खाओ, तुमको भूख लगी होगी ना, वैसे आंटी बोल रही थी तुम घर से खा के भी नहीं आई हो। तो राधिका बोलती हाँ हाँ मैं घर से खा के नहीं आई हूँ, ऐसे बोल के ना वो एक बगल ले लेती है और खाने लगती है। तो जय को बड़ा गुस्सा आता है कि वो बर्गर तो वो देविका के लिए लेके आई थी, बट यहाँ पे राधिका खा लिया, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो
एकदम हंसते हंसते देखते हैं। तो राधिका खाते खाते ना एक बाइट ना देविका की तरफ एकदम देती है और बोलती कि देविका तुम काम करती रहो, मैं तुमको खिला देती हूँ, ऐसे बोल के ना वो एक एक बाइट करके देविका की तरफ देने लगती है। तो देविका अजय के सामने तो मना कर ही नहीं सकते, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा होता है राधिका को, राधिका के ऊपर, बट वो अजय के सामने रिएक्ट तो कर ही नहीं सकते ना। तो राधिका एक बाइट खुद खा रही होती है और एक बाइट ना देविका को दिला रही होती है और बोलती भैया मौसम है एकदम मौसम। तो अजय बोलता है कि अच्छा पसंद आया ना देविका, तुमको कैसा लगा बगल? तो देविका बोलती कि हाँ अच्छा है सर, थैंक यू, बट इसकी कोई सच में जरूरत नहीं थी। तो बोलते कि क्या सर सर बोल रहे हो, जय बोलो ना मुझे। तो ये सुन के ना राधिका को एकदम से खांसी आ जाती है, तो एकदम से वो पानी ढूंढने लगती है। तो देविका उसको एकदम पानी गिलास का ग्लास पकड़ाती है और बोलती कि तुम ठीक हो, तुम जाओ बैठ के खा लो, वैसे भी मुझे इतनी कोई भूख नहीं है। तो राधिका बोलती अरे ऐसे कैसे, हम दोनों के लिए लाए थे ना जब भैया, तो हम दोनों ही खाते हैं। तो अजय बोलता है कि हाँ हाँ मतलब जय को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि राधिका उसको खिला रही है, तो उसके लिए ही तो लाए थे ना, तो उसको खिला रही, तो वो चीज अच्छा लगता है। और वो खुशी होकर ना राधिका की तरफ देखती है, देखता है। तो राधिका ना एकदम आंख मारती है और उसको ऐसे रियलाइज करवाती है कि हाँ तुम्हारे लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो वो राधिका बोलती कि मेरे जय भैया बहुत अच्छे है ना, इसीलिए कितना ख्याल रखते हैं, देखो अपने एम्प्लॉय का, और तुम ऐसे ऐसे गुस्से कर रही हो, ऐसे क्या कैसी जरूरत नहीं थी, हमें भी तो जाने वाले थे ना कैंटीन में। तो राधिया भैया ने तो क्या गलत हो गया है ना भैया। तो जय तो एकदम साथ में आसमान में एकदम पहुंच जाता है कि मेरी बहन चलो मेरी सेटिंग तो करवा रही है, बट वो उसकी सेटिंग नहीं करवा रही होती, जय को वहां पे रोक रही होती है क्योंकि राधिका को देविका के साथ शेयर करके खाना होता है। तो देविका बोलती है कि हाँ मैंने खाना खा लिया ना राधिका, तो अब बस हो गया ना। तो राधिका तुझे बोलते अरे इतने में क्या होता है, और थोड़ा और खाइए, मैं 2 बर्गर लाया था, 1 बर्गर ही आधा खाया तुम लोगों ने, तो ये भी खाओ। तो राधिका बोलती कि भैया हैव वी मैनेज ना, आप क्यों ऐसे बैठे हो, आप भी खाओ ना, आप भी भूखे होंगे हमारे साथ। तो ऐसे आंख मार के उसको बोलती है, तो मतलब खाओ हमारे साथ ज्वाइन करो, बात और देर करनी है ना, कैसे बैठे रहोगे, ऐसे बोल के वो आंख मार गया ना, मतलब वो बोलती है। तो जय भी समझ जाता है और वो एकदम दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते है कि हाँ हाँ मैं खा रहा हूँ ना, पर राधिका का इंटेंशन जय को सेटिंग करवाना नहीं होता, उसके साथ तो झूठा खाना होता है, देविका का प्यार बढ़ता है ना झूठा खाने से। तो राधिका वही प्लान बना के दूसरा बर्गर ना वो जय को खिला रही होती है जबरदस्ती से। तो देविका बोलती कि क्या कर रही हो तुम सर है वो, तो बोलती कि तुम चिल करो ना, मेरे भैया भी है, क्यों इतना टेंशन ले रही हो। तो देविका बोलती मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ। तो राधिका बोलती है देखो मैं भी खाना नहीं चाहती, बट मैं दूसरों को शो तो नहीं कर सकती ना कि हम फ्रेंड्स नहीं है, और मुझे मुझे कितनी मुश्किल से बोल बोल के प्रमोशन मिली है। तो बोलती कि हाँ, देविका बोलती हाँ तुम हो ही इसलिए कि तुमको प्रमोशन देना ही नहीं चाहिए, पता नहीं सर ने क्या सोच के तुमको प्रमोशन दे दिया है। तो देवराधिका बोलती कि अब ऐसे बेइज्जती मत करो ना यार, मैं नेहा के सामने अंदर कैसे काम करती थी तुमको पता है ना। तो देविका बोलती वो जो करती थी ना तुम्हारे साथ अच्छा ही करती थी। तो अजय बोलता कि तुम दोनों इतना क्यों बात कर रहे हो, मेरे सामने बोलो क्या बोल रहे। तो देविका बोलती कि नहीं, हम बस बात कर रहे थे कि कॉफी कॉफी पीना है। तो अजय बोलते अच्छा अरे सॉरी मैं तो कॉफी की बात भूल ही गया, ऐसे बोल के ना कॉल लगाने लगता है पियोन को। तो देविका बोलती शिट, तो बोलती कि नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कैंटीन में जाके पी लेंगे ना। तो अजय बोलते ऐसे किसी जरूरत नहीं है, मैं 3 कॉफी ना अभी मंगवाता हूँ, ऐसे बोल के ना वो पियोन को कॉल करके तुरंत से कॉफी मंगवा लेता है। तो देविका बोलते कि यार शिट अब वो थोड़ी देर और झेलना पड़ेगा इसको, ऐसे बोल के ना वो और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और जय ना एकदम प्यार प्यार से ना बात कर रहा होता है देविका से, राधिका को पसंद नहीं होता, तो राधिका भी बीच में कूद रही होती है इन बातों के बीच में और बोलती कि छे भैया आप ये वो ऐसे ना फलाना टीम करो, बहुत ज्यादा करने लगती है, और ऐसे करके ना ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। तो जाते टाइम ना जय एकदम से खुश होकर ना राधिका को देखता है और बोलते अरे 1 मिनट इधर। तो उसको ना बाहर जाते टाइम ना राधिका से बात करते करते जाते और बोलते कि छे वैसे कोशिश तो अच्छी की थी, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी मेकअप करवा रही हो, बट तुम मेरी सेटिंग करवा रही हो, उसके लिए थैंक यू सो मच मुझे देविका के साथ ब्रेकफास्ट करवाने के लिए, यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ आज तो। राधिका दिल ही दिल में बोलते कि भैया आपको पता नहीं है आपने कितना बड़ा हेल्प किया है, मैंने कोई हेल्प नहीं किया है, आप ही ने मेरा हेल्प किया है। तो जय ना उसको थैंक यू बोलता है, तो राधिका एकदम उसे बोल के ना उनको छाने के लिए बोलती है और केबिन की तरफ अंदर आती है। तो देविका एकदम गुस्से में खड़ी होकर ना उसको घूर रही होती है। तो राधिका ऐसी अननोन बनती है जैसे उसको तो कुछ पता ही नहीं, और अपना लैपटॉप लेके ना बैठने जा रही होती। तो देविका बोलती इधर आना,
तो राधिका बोलती कि हाँ देविका बोलो। तो देविका बोलती कि ये क्या बदतमीजी थी। हाँ, तो राधिका बोलती क्या बदतमीजी की मैंने। तो देविका बोलती कि ये जो ब्रेकफास्ट तुम मुझे जो खिला रही थी वो क्या था, मैं खुद से खा सकती थी ना। तो राधिका बोलती कि हेलो, मैं ब्रेकफास्ट लेके नहीं आई थी, भैया लाए थे और वो चाहते थे तुम खाओ, इसलिए मैंने खिला दिया, मेरे उससे ज्यादा कोई इंटेंशन नहीं था, इतना ज्यादा खुश मत हो तुम। हाँ, तो देविका बोलती कि ओके ठीक है। ऐसे बोल के ना उसको भी लगता है कि जय नहीं लाया था यार, मैं कुछ ज्यादा ही भड़क रही हूँ इसके ऊपर। ऐसे बोल के वो अपना काम करने लगती है और राधिका तो एकदम खुश हो गए ना, उसका तो मन ही कर रहा होता है कि डांस 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 करूं, ऐसे करके ना बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और चुप चुप के फिर से राधिका को देख रही होती है। काम करते करते ना ऐसे लंच आवर हो जाता है और देविका को, राधिका को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, बट देविका बैठी होती तो वो भी नहीं चाहती। तो देविका बोलती जाओ ना खाने, तो देविका बोलती कि राधिका बोलती तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो देविका बोलती मुझे नहीं खाना खाना है, स्पेशली तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो राधिका बोलती ऐसे मत बोलो ना यार प्लीज, मुझे हर्ट होगा। तो देविका बोलती यही तो चाहती हूँ मैं, तुमको हर्ट हो और तुम यहाँ से चली जाओ। तो राधिका बोलती वो तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। तो देविका बोलती क्यों पॉसिबल नहीं है। तो राधिका बोलती कि मैंने 7 जन्म का वादा जो तुम्हारे साथ कर लिया है कि इस जन्म में और 7 जन्म में भी बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो देविका बोलती भगवान, 1 जन्म की गलती तो मुझे समझ में भी आती है, 7 जन्म तक तो मुझसे मिलना ही भी मत, इस जन्म के बाद तो मुझे टकराना भी मत, आजू बाजू दिखना भी मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ना बम डाल के उड़ा दूंगी तुमको। तो राधिका बोलती कि हेलो यार ऐसे तो मत बोलो, मुझे हर्ट होता है। तो देविका बोलती हाँ तो मैं क्या करूँ उसमें, तुम्हें हर्ट होता है, तुम्हारी हरकत ही है, तुम मुझसे दूर रहो ना, खुश रहोगी, क्यों मेरे पास भटकती हो। तो राधिका बोलती वो तो मेरा काम है ना। तो देविका बोलती कुछ काम वाम नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो और जाओ लंच कर लो। तो राधिका बोलती जब तक तुम नहीं करोगे मैं नहीं करूंगी। तो देविका बोलती क्या अजीब मुसीबत है यार, मुझे नहीं करना। तो उतने देर में ना प्रियांशी वगैरह आ जाती है, बोलती होए हमारी न्यू मैम, लंच लंच वगैरह नहीं करना। तो राधिका बोलती वही तो मैं उतने देर से उसको बोल रही हूँ, चलो लंच करते जा नहीं रही है, उसके चक्कर में मेरे पेट में गुड़ 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 हो रही है, बोलो ना नेहा चले। तो नेहा बोलती ए तुमको किसने बोला नेहा बोलने के लिए, नेहा मैम बोलो। तो राधिका बोलती है कि सॉरी नेहा मैम, बोलो ना देविका मैम को लंच करने चलो, बहुत भूख लगी है। तो देविका बोलती अरे नहीं नहीं हम बस जा रहे थे, तो इसे क्या बिहेव करियो। तो राधिका एकदम से चुप हो जाती है और मुंह पे हाथ रख देती है। तो प्रियांशी बोलती है वो हो अपने असिस्टेंट को तो एकदम डरा के रखा है तुमने। तो देविका बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तो नेहा बोलती है हाँ हाँ बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम लोग, इसीलिए इतनी फ्रेंडलीनेस तो बनता ही है। तो राधिका बोलती ओके ओके, ऐसे बोल के ना ये लोग सब लंच करने चले जाते हैं। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं ना, देखते हैं फुल सीट कवर होती है, बस 3 प्लेस खाली होती है और 1 प्लेस थोड़ा छोटा सा होता है। तो नेहा बोलती है कि यार हम इतने देर हो गए कि सब प्लेस फुल हो गई यार, कहाँ बैठ के खाए। तो राधिका बोलती कि नहीं, देविका बोलती यार एडजस्ट कर लेंगे ना, चल कुछ लेके आते हैं। ऐसे बोल के वो कैंटीन की तरफ लेने आती है, तो दो नेहा और प्रियांशी बैठ तो जाते हैं उसके सामने के टेबल में, देविका भी बैठ जाती है, बट राधिका के लिए बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं होती। तो देविका को बिल्कुल बुरा लगता है कि राधिका खड़े होके खा रही है, मतलब जितना भी हेट हो जितना भी नफरत हो दिल में थोड़ा सा प्यार तो रहता ही है ना। तो बोलती कि तुम इधर बैठ जाओ, ऐसे बोल के थोड़ा सा वो खिसक के ना जगह दे देती है। तो देवी क्या कि ऐसी इससे ना राधिका एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एकदम सातवें आसमान पे एकदम उड़ने लगती है। तो बैठ तो जाती है बट वो हाथ उठा रही होती तो देविका खा ही नहीं पा रही होती। तो देवी ये देख के ना राधिका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो बोलती कि यार मैं आप कैसे करूँ, मेरी वजह से इसको दिक्कत हो रही है, बल्कि फिर से उठने लगती है। तो देविका बोलती क्या हुआ आप क्यों उठ रही हो। तो राधिका बोलती वो मैं हाथ लेती हूँ तो तुम हाथ ले नहीं पाती है ना, तुम्हारे मुंह को लगती है, सो हम मैं खड़ी होके खा लूंगी, इट्स ओके। तो देविका को भी फील होता है और टाइम 3 बज चुके होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, बोलता है कि तुम बैठो मैं खाना खिला देती हूँ। तो राधिका एकदम ये सुन के एकदम शॉकिंग वाले नजरों से ना देविका को देखने लगती है कि क्या ये खाना मुझे खिला रही है। तो देविका बोलती बैठो अब क्यों ऐसे खड़ी हो, 3 बज गए हैं, कितना देर भूखा रहना तुमको। तो राधिका एकदम चुपचाप से ना मासूम जैसे बैठ जाती है और देविका ना अपने हाथों से ना राधिका को एक एक बाइट करके निवाला खिला रही होती है, और राधिका एकदम प्यार वाले नजरों से देविका को देखी जा रही होती, जैसे आज तो भगवान से कुछ और भी मांग लिया होता ना वो भी मिल जाता, पर नेहा को ना ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बोलती कि मैं खिलाती हूँ ना उसको। तो राधिका बोलती मैं हर किसी के साथ नहीं खाती नेहा, मैं देविका के साथ ही खाऊंगी। तो देविका भी एकदम घूर के राधिका की तरफ देखती, बोलती कि नहीं वहां से यहाँ पे हाथ आने में ऐसे दिक्कत होगा ना मुंह में डालने में, बस मैं उसी लिए बोल रही, ठीक है तुम नहीं खिलाना चाहती हो तो ठीक है मैं बाद में खा लूंगी, इतना भी कोई मुझे भूख नहीं है।
तो देविका बोलती, मैंने कुछ बोला? चुपचाप से बैठी रहो, खिला रही हूँ ना तुमको। तो राधिका फिर से एकदम खुश हो जाती है और एकदम चुप चुप के ना नेहा को एकदम विलन वाली हंसी दे दे के खाना खा रही होती है। नेहा को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, इतना गुस्सा आ रहा होता है राधिका के ऊपर, उसका मन उसको बस चले ना, तो मतलब वो सारा का सारा ना राधिका के ऊपर एकदम रेड़ दे, ऐसे करके ना इन लोगों का खाना खत्म हो जाता है। और जैसे ये लोग जा रहे होते हैं ना, राधिका जानबूझ के नेहा और दीपिका के बीच में चली होती, तो नेहा बोलती कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है राधिका? तो राधिका बोलती क्या प्रॉब्लम है क्या? तो नेहा बोलती कि तुम क्यों मेरे मेरे और दीपिका के बीच में आ रही हो? तो राधिका बोलती मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ। तो उसका ना हाथ पकड़ के रोक लेती है नेहा राधिका को और बोलती कि तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुमको समझ नहीं आता क्या कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड है? तो राधिका बोलती तुम मैं कहाँ बोल रही हूँ, हम दोनों बुरे फ्रेंड है। तो राधिका नेहा बोलती कि फिर क्यों हम दोनों के बीच में आ रही हो? देखो मुझे वो पसंद है। तो राधिका बोलती देखो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो राधिका नेहा ये सुन के एकदम शॉक हो जाती, बोलती क्या? तो राधिका बोलती हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आपकी नहीं, कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड है, तो मैं मुझे अच्छा नहीं लगता उसके करीब कोई आए। तो नेहा बोलती आर यू मैड और व्हाट? ऐसा होता है ना तो राधिका बता दी होती। तो राधिका बोलती कि वो ये सारी चीज़ है ना सीक्रेटली रखना चाहती है, इसलिए वो किसी को नहीं बताती। तो नेहा बोलती क्या बकवास कर रही हो? तो नेहा बोलती कि नेहा को राधिका बोलती प्रूफ चाहिए तुमको, देखना देखोगे? तो राधिका बोलती नेहा बोलती दिखाओ क्या प्रूफ है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो ना एकदम से राधिका जानबूझ के ना एकदम धड़ाम के गिर जाती है, एकदम बेहोश हो जाना टाइप। तो देविका जैसे पीछे टर्न करके देखी है ना कि राधिका गिरी है, एकदम वो घबरा जाती है, एकदम भाग के आती है और बोलती क्या क्या हुआ इसको नेहा, ये गिर कैसे गई, क्या हुआ, पानी लाओ को। एकदम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है राधिका के लिए, और मतलब पानी वानी ना एकदम ला के ना उसको अपने गोदी में ले लेती है और उसके ऊपर ना पानी एकदम छिटकने लगती है। तो राधिका एकदम होले से ना होश में आने का नाटक करती है और नेहा को घूर के देखे ना एक आंख मारती है, देखा क्या प्रूफ है। तो नेहा को ये चीज देखे ना एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से ना पैर पटक के चली जाती है। तो राधिका एकदम से उठती है, हाँ वो मैं ना वो बस ऐसे चक्कर आ गया। तो देविका बोलती है डॉक्टर के पास चले। तो राधिका बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ऑफिस आने के बाद मैं चली जाऊंगी, तुम डोंट वरी, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसे बोल के ना उसका राधिका देविका के कंधे का सहारा लेके ना एकदम उससे उठती है। यहाँ पे तो भाई साहब राधिका का एक तीर से दो शिकार हो गया, यहाँ पे नेहा को साइड करने का भी काम हो गया और देविका से थोड़ा सा कंसर्न पाने का भी काम हो गया। तो राधिका तो एकदम खुश हो जाती है। तो देविका ना उसको सच में लगता है कि इसको थोड़ी सी वीकनेस आई हुई है, तो उसको ना इसे उठा उठा के अपने केबिन में ले जाती है और उसको जो साइड में सोफा होता है ना वहाँ पे सुला देती है, बोलती कि यहाँ पे रेस्ट करो, तुमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, छुट्टी होने के बाद तुम चली जाना घर। तो राधिका बोलती नहीं देविका, मैं ठीक हूँ, मैं काम कर लूंगी। तो देविका बोलती समझ नहीं आता तुमको, मैंने बोला ना रेस्ट करो, तो एक बार ही मैं बोला तो समझ नहीं आ रहा तुमको। तो राधिका बोलती गुस्सा क्यों हो रही हो, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो और तुम ऊपर से गुस्सा हो रही हो मेरे ऊपर। तो राधिका बोलती है वो आई एम सॉरी, तुम रेस्ट कर लो, मैं काम करती हूँ, ऐसे बोल के ना वहां से चली जाती। तो राधिका को बहुत अच्छा लगता है कि यार जितना भी गुस्सा हो इसके दिल में मेरे लिए अभी तो प्यार है ना, तभी तो मेरा ये इतना कंसर्न इतना केयर दिखाती है, ऐसे बोल के ना बहुत ज्यादा खुश होके ना बस टुकर टुकर ना देविका को निहारती रहती है। और उसके अलावा वो कर भी कह सकती है, तो उसको ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो राधिका को सुला के ना वहाँ पे देविका राधिका का भी काम कर लेती है सारा सारा, और इतना खुद को बिजी हो जाती है कि वो नोटिस ही नहीं करती कि पूरे टाइम राधिका बस उसको देखती रह जाती है। तो ऐसे करके ना ऑफिस का छुट्टी हो जाता है और जैसे घर जाने का टाइम आता है ना, नेहा फिर से आती है, नेहा और प्रियर्षित दोनों आते हैं कि देविका को लिफ्ट दे, तो राधिका फिर से आ जाती है बीच में उससे लिफ्ट लेने, मतलब देने के लिए देविका को। तो देविका को बोलती कि नहीं मुझे आज से ना ऑफिस की गाड़ी छोड़ने लेने आएगी, तो मुझे लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। तीनों दोनों को ही रिजेक्ट कर देती है। तो घूर के ना नेहा राधिका को देख रही होती है और राधिका नेहा को देख रही होती कि क्यों मेरी बंदी को मैं लिफ्ट दूंगी, बट यहाँ पे सीन अलग ही पड़ जाता है। तो राधिका नेहा को समझ नहीं आता क्यों कब से, तो देविका बोलती कि वो मेरी प्रमोशन हुई है ना, तो सर ने बोला है कि आज से ऑफिस की गाड़ी मुझे लेने और छोड़ने आएगी, तो मुझे अब से लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो समझो समझोगी तुम। तो राधिका को तो उसका तो दिल ही टूट जाता है कि जे भैया ये बहुत गलत किया आपने, बहुत कम से कम मेरे साथ बैठ के तो जाती थी, अब मैं अकेले कैसे जाऊंगी, ऐसे बोल के ना वो इधर उधर 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 देख के ना उनको वहां पे रुकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो वो स्कूटी लेके बाहर तो चली जाती है ऑफिस की, बस इधर उधर 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 देखती है और उसको समझ ही नहीं आता क्या, नेहा भी गुस्से से वहां से चली जाती है। तो राधिका को एक आइडिया सोचता है और वो जानबूझ के ना अपनी गाड़ी पंचर कर देती है। तो जैसे ही
देविका का कार ना बाहर निकलता है ना ऑफिस से, तो राधिका एकदम चारों जैसा ना छोटा सा फेस करके ना एकदम ऑटो के इंतजार में खड़ी होती है। तो देखती है उसको राधिका, रात भी हो चुका होता है बहुत देर से, ये लोग तो पहले से ही जाते हैं, तो रात हो चुका होता है। तो देविका बोलती क्या हुआ तुम्हारी स्कूटी को, तो राधिका बोलती स्कूटी आई थिंक पंचर हो गई है, मुझे नहीं पता था, मैं बस ऐसे चला के आ रही थी, यहाँ पे गड्ढे पे गिर गया, देखो मेरे को ना थोड़ा सा चोट भी लगा है। तो देविका बोलती बैठो फिर मैं तुमको छोड़ देती हूँ। तो राधिका बोलती अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। तो देविका बोलती कि बैठो बोला ना मैंने, समझ नहीं आता एक बारी में तुमको। तो राधिका बोलती ओके तुम बोल रही हो तो मैं बैठ जाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो कार के अंदर बैठ जाती है। और कैसे एकदम उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा होता है यार, कि क्या बोलूं, वो ही तो चाहती थी देविका उसको घर तक लिफ्ट दे, तो वही तो हो रहा था ना यहाँ पे। तो राधिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और गाड़ी जैसे आगे बढ़ती है ना, देविका जा राधिका जान बुझ बुझ के ना देविका की क्लोज क्लोज बैठने की कोशिश करती है। तो देविका बोलती कि इतना क्लोज आ क्यों आ रही हूँ, इतने जगह बैठ नहीं सकती। तो देविका राधिका बोलती कि सॉरी वो बस थोड़ी सी चोट लगी थी ना, तो वहां पे लग रहा था, तो लेफ्ट हैंड में तो मैं बस थोड़ा सा इधर होके बैठ के दर्द हो रहा है ना मुझे। तो देविका बोलती इट्स ओके बैठो फिर। तो देविका की बात सुन के तो राधिका और ज्यादा खुश हो जाती है, यार देविका हमारी इतनी अच्छी क्यों है, मतलब राधिका को ऐसा फील हो रहा था कि यार ये लड़की कितनी औसम है यार, इतना टाइम मैं इस पर ध्यान क्यों नहीं देती थी, ये सच में यार एक पीहू बन के जितनी औसम थी ना देविका बन के उससे ज्यादा औसम है, मैं इतनी अंधी क्यों थी यार, मैं इतनी अंधी क्यों थी, ऐसे बोल गया ना। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है कि देविका को वो एकदम टाइट वाला हग कर ले, उसको थैंक यू बोले कि थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आई, मतलब ऐसे बोले, और ऐसे तो बहुत चीजें बोलना चाह रही होती, बट देविका उससे बात ही नहीं कर रही होती, दूसरी तरफ देख रही होती। और राधिका जानबूझ के ना सोने का नाटक करती है और उसके कंधे पे ना सर रख देती है। तो देविका एकदम से ना चौके राधिका की तरफ देखती है, पर देखती है कि वो सो रही है, तो वो कुछ नहीं बोलती, उल्टा उसके फेस पे हाथ रखती है और उसको ना अपने कंधे पे अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। तो राधिका को ये सारी चीज ना बहुत अच्छी लगती है, सुकून लगता है यार उसके कंधे में उसको सोना, वो चीज को वो फील कर रही होती है। होता है ना यार दुनिया का सबसे ज्यादा ना औसम वाला प्लेस कोई टेढ़ी नहीं है, कोई कोई पिलो नहीं है यार, हमारे पार्टनर का कंधा ही है, जिसने सोया है ना वहाँ पे उसको ही पता है, इतना सुकून जिंदगी में कहीं नहीं मिलता। एक तो माँ की गोद होती है और दूसरा पार्टनर की वहाँ मतलब हाथ होता है जहाँ पे तकिया बना के सोने में ना बहुत औसम लगता है, और सेम हमारी राधिका को वो औसम वाले फीलिंग्स ना मिल रही होती है। और ऐसे गाड़ी चलते चलते ना राधिका का घर आ जाता है, तो देविका ना हल्के से उठाती बोलती राधिका उठो तुम्हारा घर आया। तो राधिका को ऐसा लगता है क्यों आया मेरा घर यहाँ, इसे बोल के ना बोलते इतनी जल्दी आ गया। तो राधिका देविका बोलती है हाँ आ गया, जाओ तुम्हारा घर आ गया। तो राधिका बोलती तुम हाँ ना घर पे, मैं पापा को बोल के तुमको छोड़ दूंगी। तो देविका बोलती नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उतने देर में ना राधिका की मम्मा पता नहीं कुछ शॉपिंग करने बाहर गई होती है, तो जैसे ही देखती है ना एक कार आई है घर पे, तो वो एकदम से देखने लगती है, बोलती है राधिका तुम्हारी स्कूटी क्या हुआ। तो राधिका बोलती मम्मा वो स्कूटी खराब हो गई थी, थोड़ी सी चोट लगी थी ना, तो मुझे देविका ने छोड़ दिया। तो देविका का नाम जैसे ही सुनती है ना राधिका की मम्मा, बोलती कि देविका देविका एकदम राधिका बोलती क्यों मम्मा देविका 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 ही है, इशारों में बोलती है। तो राधिका की मम्मा एकदम खुश हो जाती है, और उनको भी देविका को ना जानना होता है, तो बोलती कि बेटा आओ ना अंदर। तो देविका बोलती कि नहीं आंटी मैं मुझे मुझे ना मम्मा वेट करी होगी मेरा, तो मैं बाद में कभी आती हूँ। तो बोलती किसकी माँ, अरे नहीं बेटा 2 मिनट एक चाय तो पी के चली जाओ। तो देविका बोलती नहीं आंटी मैं मम्मा वेट कर रही होगी। तो राधिका की मम्मा एक नहीं सुनती और बहुत फोर्स करने लगती है, तो देविका को ना चाहते हुए भी ना राधिका के घर आना पड़ता है। तो राधिका तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसको तो यही चाहिए होता है। तो देविका की राधिका की मम्मा भी बोलती कि पहली बार आई है देखती हूँ कैसी लगी तुमने पसंद किए। तो राधिका बोलती है मम्मा ज्यादा क्लास मत लेना यार, बहुत क्यूट है बहुत औसम है, ये तो गुस्सा होके भी मेरा केयर करते हैं यार, कोई लड़का मेरा इतना केयर कर सकता है क्या। तो राधिका की मम्मा बोलती है वो तो देखती हूँ कितनी अच्छी है तुम्हारी पसंद। तो राधिका एकदम से खुश होकर ना फ्रेश होने चली जाती है, तो देविका वहीं पर बैठी होती है, तो वो तुरंत से ना बस टी शर्ट चेंज करके और वही सब पहन के ना चली जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है वाह बेटा आज इतनी जल्दी तुम फ्रेश होगी, बैठो बैठो वैसे देविका के साथ मैं
लोगों के लिए चाय लेके आ रही हूँ। तो देविका बोलती आंटी उसकी कोई जरूरत नहीं है सच में, आई एम फाइन। तो आंटी बोलती कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, तुम 2 मिनट बैठो बस, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोल के ना बहुत सारा खाना पीना ना एकदम से लेके आती है देविका के लिए। और बोलती बेटा और घर पे कौन है? तो देविका बोलती कोई नहीं, बस मम्मा और मैं, मम्मा और मैं और कोई भी नहीं है। तो बोलती कि फिर पापा? तो बोलती कि पापा, पापा और मम्मा का बचपन में डाइवोर्स हो गया था, तो मेरी मम्मा एक सिंगल सिंगल मदर है, वो उन्होंने मुझे अकेला बड़ा किया है। तो ये सुन के ना जो इमोशन होता है ना, थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाती है। तो देविका फिर बोलती कि नहीं आंटी, इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मम्मा इनफ स्ट्रांग है, वो मेरे लिए मम्मा पापा दोनों है, मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती कि जो दे राधिका की मम्मा बोलती कि हाँ मम्मा इनफ स्ट्रांग होती है, और आपकी मम्मा की आप इनफ स्ट्रांग बेटी हो, वो तो दिख ही रहा है कितनी स्ट्रांग हो। मेरी बेटी को भी कुछ सिखाओ बेटा, कितनी नालायक है ये, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, और मम्मा की केयर करना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो देविका बोलते कि नहीं आंटी ऐसा नहीं है, राधिका भी अच्छी है, वो करती है आपकी केयर। तो राधिका की मम्मा बोलती है अच्छा मेरी केयर करती है, मेरे बारे में बोलो और क्या क्या बोलती है। तो राधिका तो कभी मतलब पीहू, ऐसे पीहू को बोली होती है ना कि उसकी मम्मा कैसी है, क्या क्या करती है वो सब। तो देविका ना वही सारी चीज जो राधिका ने पीहू बन के उसको बोली होती है ना, वो सारी चीज उसकी मम्मा के बारे में वो सारी चीज वो बताने लगती है। तो उसकी मम्मा ना देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि हाय मेरी बेटी मेरे बारे में इतना कुछ बोली है। तो बोलते कि हाय तुम दोनों को ना नजर ना लगे बेटा, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो ये सुन के देविका बोलते कि क्या आंटी? तो देविका राधिका ना एकदम से उसकी मम्मा का हाथ एकदम से दबोच लेती है, बोलती क्या बोल रही हो मम्मा, उसको नहीं पता आपको पता है बोल के। तो बोलती कि अरे नहीं बेटा, तुम दोनों की दोस्ती को ना कभी नजर ना लगे, तुम दोनों ऐसे हमेशा साथ रहो। तो देविका बोलती कि आंटी बहुत देर होगी, अब मुझे आई थिंक जाना चाहिए। तो राधिका की मम्मा बोलती राधिका जाओ कार लेके जाओ, देविका को छोड़ के आओ। तो राधिका बोलती कि हाँ हाँ मम्मा मैं जा रही हूँ ना। तो देविका बोलती अरे नहीं आंटी, ऑफिस की कार बाहर ही है, मैं वहां से चली जाऊंगी। तो उसकी मम्मा बोलती नहीं बेटा, इतनी रात हो गई है, अकेले तुम कैसे जाओगी? देविका और ड्राइवर के साथ तो मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगी तुमको, राधिका तुम कार लेके जाओ, छोड़ के आओ ठीक है देविका को। तो राधिका ने एकदम वो तो वही चाहती थी। तो बोलती कि ठीक है देविका तो हम चले। तो देविका भी आंटी की बात को मना नहीं कर पाती और ड्राइवर को जाने के लिए बोलती है, और राधिका कार निकालती है और देविका को छोड़ने चली जाती है। और मतलब वो जो ड्राइव होता है ना, छोटा सा रास्ता भी बहुत औसम होता है जब हमारा पार्टनर हो, स्पेशली खाली रास्ता हो, गाड़ी चल रही हो और हम हमारे लव्स वन के साथ हो, तो बहुत सुकून दे जाता है ना। सेम चीज राधिका ना, राधिका कुछ बोल रही होती है ना, देविका कुछ बोल रही होती है, देविका बाहर की तरफ देख रही होती है, राधिका उससे बात करना चाह रही होती है, बट पता है मिर्ची है बात नहीं करेगी। तो ना वो उसके लिए एक रोमांटिक सा सॉन्ग एकदम से प्ले कर देती है, वो वाला सॉन्ग होता है फीकी फीकी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं समथिंग, कुछ तो सॉन्ग है यार, लाइन नहीं आती मुझे पता है ना आपको, मैं हमेशा सॉन्ग गलत ही गाती हूँ। तो वो वाला सॉन्ग ना एकदम रोमांटिक सा सॉन्ग ना वो बजा देती है। तो देवी जैसे ही देविका सुनती है ना, उसको भी सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, और वो बस रास्ते को देखी जा रही होती है और राधिका देविका को देखी जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, बट राधिका देविका को फील कर रही होती है, और देविका को भी ये ड्राइव ना कंफर्ट लग रहा होता है, बट उसके दिल में बिल्कुल भी राधिका को माफ करो या कोई वाली फीलिंग्स नहीं आती है। ना ही राधिका उसको बोलती कि प्लीज वंस एक चांस और दे दो, क्योंकि ये समटाइम ना चांस मांगी नहीं जाती है, सिचुएशन ऐसे क्रिएट करनी पड़ती है कि सामने वाला फिर से तो आपको ऊपर वही ट्रस्ट वही भरोसा करे। तो सेम राधिका कर रही होती है, चांस मांगती नहीं है, वो चांस खुद क्रिएट करना चाह रही होती है और उसको मौके भी मिल रहे होते हैं। तो ऐसे करते करते ना घर आ जाता है देविका का, तो राधिका गाड़ी रोकती है, तो देविका उतरने की कोशिश करती है, तो बोलती है 1 मिनट, ऐसे बोल के ना खुद उतरती है पहले, और राधिका देविका के लिए वो डोर ओपन करती है। तो देविका बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो राधिका बोलती है नहीं मुझे बस करने दो ना, ठीक है आपको मुझे चांस नहीं देना है, ठीक है आपको मुझसे प्यार नहीं करना है, बट आपको तो मैंने नहीं रोका था ना कि मुझसे प्यार मत करो, तो मुझे भी आप प्लीज मत रोको कि मुझसे प्यार मत करो। तो देविका बोलती है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो राधिका। तो राधिका बोलती है करने दो ना, मेरा टाइम है, मेरा प्यार है, एक तरफा ऐसे मेरा है ना, प्लीज करने दो ना, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तो देविका बोलती पागल मत बनो, मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो, वैसे भी 2 लड़कियों का रिलेशन कोई नहीं मानेगा, तुम्हारी फैमिली तक नहीं मानेगी। तो राधिका बोलती वो मैं सोच लूंगी ना, अब इतना मत सोचो, अब थकी होगी, घर जाओ रेस्ट करो, और आंटी को भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, लव यू बोलना ठीक है। ऐसे बोल के
उसको जाने के लिए बोलती है, तो देविका वहां से चली जाती है। पर राधिका क्या ये बदला बदला इंजेक्शन ना, देविका को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। राधिका मतलब क्या बोलू, मतलब वो वहां से जा रही होती है और राधिका उसको बस देख रही होती है बड़े प्यार वाले नजरों से। तो उतने में ना एकदम से ना होती नहीं है कि बिन बादल बरसात, और शोरी में तो होती रहती है बिन बादल बरसात। तो एकदम से बिजली कड़कती है और राधिका एकदम भाग के आती है, और देविका एकदम भाग के आती है और राधिका को एकदम टाइट वाले हक कर लेती है। और राधिका भी इतनी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये दोनों ही बिजली से बहुत डरते हैं, जिसकी मैंने पहले स्टोरी में बोला था। दोनों एक दूसरे को ना बहुत टाइटली एकदम हक कर लेते हैं। तो राधिका एकदम घबरा जाती, बोलती प्लीज 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 मुझे मुझे छोड़ के मजा, मुझे 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 बिजली से बहुत बहुत डर लगता है। तो राधिका बोलती कि देविका बोलती कि ओके मुझे मुझे भी डर लगता है ऐसे, बोलकर एकदम बहुत टाइट एक दूसरे को ना हक कर लेते हैं। और उतने में ना हल्की हल्की सी ना बारिश की बूंदे बरसती है, और जैसे इन दोनों के ऊपर गिरती है ना, इन दोनों को रियलाइज होता है कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो राधिका ना देविका से एकदम छूट जाती है। फिर अचानक से और एक बिजली कड़कती है और ये दोनों ना एक दूसरे के और पास हो जाते हैं एकदम से। ना राधिका देविका को छोड़ रही होती है, ना राधि देविका राधिका को छोड़ रही होती है, क्योंकि बिजली की साउंड से ना दोनों को बहुत ज्यादा डर लगती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या रंग लाता है, क्या ये दोनों एक दूसरे का क्लोज जो आए हैं फिर से एक बार, क्या इन दोनों को साथ लाता है, क्या इन दोनों के बीच में प्यारी सी कुछ मोमेंट होती है, या लड़ाई झगड़ा हो गया ये मोमेंट यहीं पे स्पॉइलर जाती है। ये तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे से न्यू जुड़ रहे हैं यार, आप लोगों से एक शिकायत है कि क्यों नहीं करते यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी स्टोरी को लाइक। क्या हो जाएगा यार एक लाइक एक सब्सक्राइब एक शेयर से, कुछ नहीं होगा बट मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज टेडी डे है, तो टेडी डे नहीं आई थिंक, पता नहीं आज कौन सा डे है। तो हैप्पी वैलेंटाइन वीक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो।